मैं होता ना तो भिड़ जाता उनसे। उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में घुसने? अच्छा ही हुआ, शुक्र हुआ रब का कि तुम नहीं थे। जो भी था हम सब बड़ों बड़ों ने खुद पर बैठ लिया भाई, क्या करते। एक एक दाना समेट के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा कमबख्तों ने। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं भाई, उनकी बुरी नजर मेरी सना पे नहीं पड़ी। हाँ अलबत्ता एक कमीना टिका के घूर रहा था रानिया को, वो घसीट कर ले गया उसे कमरे में। रानिया को क्या हुआ? रानिया को क्या कह रही है आप? ये रानिया ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, क्या होना रानिया को, हट्टी कट्टी है। ये बताओ तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूल रही है? बड़े अब्बा लगे हो तुम उसके, पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक? कब आ रहे हो कराची? कब खत्म होगी ट्रेनिंग? कम वक्त बस एक दो दिन में इंशाल्लाह कराची गई। पैसे संभाल के रखना, वैसे पॉकेट मार होते हैं बसों में। अच्छा पॉकेट मार लेते हैं जी। अल्लाह हाफिज। मेरे अल्लाह कैसी आन पड़ी, अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं था वो सेट कैसे। साले तुम लोग अल्लाह पूछेगा, मेरा सेट उठा कर लेगा मेरी बच्ची का। रानिया, मैं हूँ, हमजा हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरे घर में हो। प्लीज काम डाउन, क्या हो गया जान? यू ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है। रानिया मैं जानता हूँ कि स्ट्रॉबेरी ने तुम्हें बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं इस वाक्य से कहीं ज्यादा मजबूत और बहादुर हूँ, प्लीज संभालो खुद को। हमजा मैं बहुत डर गई, तुम्हें नहीं पता वो लोग बहुत खतरनाक थे, वो हमारा पीछा करते हुए घर तक आ गए थे, वो यकीनन यहाँ पर भी आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे हमजा? रानिया कुछ नहीं हो, जस्ट काम डाउन ओके, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, तुम मेरे साथ हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, सारी गलती मेरी। तुमने जब मुझे सुबह मैसेज भी किया था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अगर मैं होता ना वहां पर तो तुम पर आंच ना आने देता। नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है रानिया, खुद पर यकीन करो, मुझ पर यकीन करो, हम इन हालात से लड़ लेंगे, और लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहां से आएगी? खाने से। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आया हूं। हाँ एक सेकंड। ये लो तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया, और वो भी अपने हाथों से। जानती हो ना कि मैं कुकिंग नहीं करता।
इतनी मुश्किल से सफर कटा है मेरा। आई होप तुम ठीक हो। चाची कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? शी इज फाइन। डॉक्टर से भी बात हुई है, वो भी यही कह रहा है कि इंशाल्लाह दो चार दिन में ठीक हो जाएगी, बस ट्रॉमा है उसे। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गैर मौजूदगी में रानिया का बहुत ख्याल रखा। मैं तो खुद जाकर भाई और भाभी का शुक्रिया अदा कर मैं आता। शुक्र है जान बची। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मेरा मतलब मारा वारा तो नहीं? नहीं चाची कुछ भी नहीं हुआ, अलबत्ता खालू बेचारे को काफी मारा उन्होंने, सना के काफी पैसे और गोल्ड भी ले गए। चलो खैर है, उनका नुकसान तो हम भर देंगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं। चाची यही बात मैं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुक्र करे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी पैसे वगैरह आने जाने वाली चीज है, और ये बार बार उस वाक्य के बारे में सोचती है, इसी वजह से डिप्रेस हो जाती। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी, ठीक हो जाएगी। मेरा बच्चा। देख रही हो? कुछ नहीं, समंदर कितना अजीब है ना, बेहद निगाह तक फैला हुआ, कितनी गहराई होगी ना इसमें। समंदर, समंदर हमेशा किसी छुपे हुए राज की तरह लगता है, हर बूंद में अपनी कहानी होती है, हर लहर अपनी दास्तान सुनाओ। जब मैं पापा के साथ आया करता था ना सी साइड, तो वो हमेशा कहा करते थे समंदर जितना बड़ा और गहरा होता है इंसान का प्यार उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि समंदर की तो एक हद होती है लेकिन प्यार की कोई लिमिट नहीं है। प्यार होता है तो बेतहाशा बेशुमार बेपनाह होता है, वरना नहीं होता। अरे तुम तो किसी पागल आशिक जैसी बातें कर रहे हो।